देख रहे हैं एनए न्यूज दिल्ली एनसीआर और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। टिकरी बॉर्डर से 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर रैली निकाले जाने के बाद जिस तरह प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए और उन्हें रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज से लेकर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, अब उसी टिकरी बॉर्डर पर पुलिस द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं और किसानों के धरना स्थल से लगभग 1 किलोमीटर पहले बैरिकेडिंग लगाकर रास्ते को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया है। ये तस्वीर टिकरी बॉर्डर मेट्रो स्टेशन के नीचे की है जहां पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है। इससे पहले पुलिस द्वारा धरना स्थल से केवल 100 मीटर की दूरी पर ही बैरिकेड लगाए गए थे, लेकिन 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर रैली के नाम पर जो हुआ उसके बाद अब पुलिस पूरी तरह सतर्क है और टिकरी बॉर्डर मेट्रो स्टेशन के नीचे बैरिकेडिंग लगा दी गई है। केवल इतना ही नहीं, आम जनता को भी इस मेट्रो स्टेशन का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। पुलिस उन्हें दूसरे मेट्रो स्टेशन पर जाने के निर्देश दे रही है। टिकरी बॉर्डर पर पुलिस फोर्स के अलावा कल रात से अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त टुकड़ियों को भी तैनात कर दिया गया है, जिससे यदि अब किसानों द्वारा किसी भी तरह का हंगामा किया जाता है तो उन्हें किसी कीमत पर टिकरी बॉर्डर से आगे न बढ़ने दिया जाए और आम जनता को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। अभी मौजूद हूँ टिकरी बॉर्डर पर, जहाँ 26 जनवरी को किसानों द्वारा ट्रैक्टर रैली निकाली गई थी दिल्ली की ओर और जो प्रदर्शन रहा नागलोई में नजफगढ़ के पास जो किसानों का प्रदर्शन रहा, उसके बाद पुलिस बल और तैनात कर दिए गए हैं। पहले आंदोलन में जाने के लिए उसके पहले बैरिकेडिंग की गई थी लगभग 100 मीटर पहले, लेकिन आंदोलन से अब 1 किलोमीटर की दूरी तक बैरिकेडिंग कर दी गई है। जो टिकरी बॉर्डर का मेट्रो स्टेशन है उसमें लोकल लोगों को भी नहीं जाने दिया जा रहा, उनको मना कर दिया जा रहा है कि आप कोई और स्टेशन पे जाइए, लेकिन यहाँ से आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, जिसके कारण लोकल लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। कोई भी हो चाहे उसको यहीं से बैरिकेडिंग्स में जाने से मना कर दिया जा रहा है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है। अगर किसी को आंदोलन में जाना है तो उसको लगभग 1.5 किलोमीटर कॉलोनी से होते हुए आंदोलन में जाने की परमिशन दी गई है, लेकिन जो पुलिस द्वारा, दिल्ली पुलिस द्वारा और जो पुलिस तैनात करी गई है वो पहले ही 1 किलोमीटर यहाँ से। दिल्ली एनसीआर की ताजा अपडेट के लिए आप देखते रहिए एनए न्यूज़ दिल्ली एनसीआर।